एक नॉनवेज स्नैक्स की रेसिपी है मेरे पास, अभी तक मैंने कहीं भी किसी भी चैनल पे कहीं पे नहीं निकाली, आज निकालता हूं। नमस्कार, मैं हूं रणवीर ब्रा और आज बनाएंगे शंघाई चिकन। म्यूजिक के बाद कॉलिंग एंड एक्शन। तो शंघाई चिकन बनाने के लिए हमको चाहिए शंघाई का वीजा, चिकन। तो ये चिकन की जो ब्रेस्ट है, इसके तीन हिस्से भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, ऐसे बारीक 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 काट के। ये देखिए, ये एकदम बारीक बारीक, ये देखिए। लेकिन अगर इतनी मेहनत नहीं करना चाहते, क्योंकि मेहनत का काम है, मैं मान रहा हूं और मैं आपसे मुश्किल काम नहीं करवाता कभी, तो आप सिंपल 1/2 भी कर सकते हैं। ये देखिए, डन। ये रेसिपी जो है, इसमें शंघाई कितना है ये तो मुझे पता नहीं, मैं शंघाई अभी तक नहीं गया हूँ, लेकिन जो शंघाई खाने का मुझे पता है शंघाई के शेफ्स के साथ काम कर करके, कि उनके खाने में एक हल्की सी मिठास होती है और वो इस रेसिपी में है। और शंघाई का जो खाना है उसमें मिर्च की आदत लोगों को पड़ी हुई है, मतलब मिर्च डालने से शंघाई वाले भी नहीं शर्माते, ठीक है जी। दूसरा, शंघाई के डम्पलिंग्स, बाउज, डिमसम्स, वो भी बड़े फेमस हैं। तो ऐसे बेसिकली हमने ऐसे फारचे बना लेने, बिल्कुल बारीक बारीक पतले पतले फारचे बना लेने। तो एक ब्रेस्ट का मैं 3 कर रहा हूँ, आप चाहें तो 2 कर लीजिए, ऐसी कोई बिग डील नहीं है, बता चुका हूँ ये तो मैं, तो बिग डील कुछ नहीं है। ये देखिए, इतना इतना मोटा, दिस इज अ गुड थिकनेस। देखिए, मतलब मैं ये नहीं चाहता कि मैं जरा ये शेफगिरी करके लोगों को डराऊं, ठीक है ना। तो इसलिए अगर आपको लग रहा है कि आप ऐसे नहीं कर सकते, तो इट्स जस्ट वेरी इजी, 1/2 कर लीजिए, मैं नाराज नहीं होऊंगा आपसे, मैं फिर भी आपसे उतना ही प्यार करूंगा, ठीक है। चलो जी, पहले धो के लाते हैं इसको, ठीक है जी। अंडा एंड अंडा, और इसी अंडे में थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा नमक, थोड़ी लाल मिर्च, और अभी ऑमलेट बना लेते हैं। ये लिया चिकन और ये डाल दिया अंडे के अंदर, ये अच्छे से एकदम नहला धुला के तैयार कर लेना अपने चिकन को। नवाई तो आई, छोड़ देना इसको ज्यादा देर नहीं, बट कम से कम 10-15 मिनट। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो ज्यादा टाइम छोड़ दीजिए, लेकिन घंटे भर से ज्यादा मत छोड़िएगा, बिकॉज ये चिकन ब्रेस्ट है, बहुत जल्दी गलती है, और इतना पतला आपने काट दिया तो ड्राई हो जाएगी, क्योंकि नमक है ना इसके अंदर, वो ड्राई कर देगा। इसलिए मैक्सिमम 1 आवर, मिनिमम 15 मिनट्स। जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है, अपनी कटिंग चॉपिंग कर लेता हूँ ना। ये जो है, मैं अपना साइड के सॉस की तैयारी कर रहा हूँ ना, ब्यूटिफुल। अभी मैं खाली खड़ा हूँ तो इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है जी। आपको ऐसे फूल फाल बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ऊपर वाले जो है थोड़े पतले काट रहा हूं, नीचे वाले थोड़े मोटे, ताकि साथ में पकें। ये लीजिए, ये जो है 2 भाग कॉर्नस्टार्च, 1 भाग मैदा, ठीक है। उसमें नमक डाला है और व्हाइट पेपर डाला है, और ये अपना चिकन ब्रेस्ट लिया और इसको ऐसे 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 कर लिया, और थोड़ी देर छोड़ना है इसको। क्यों छोड़ना है? ताकि जो मैदा है वो चिपक जाए। हुँ?
अब जाहिर सी बात है, अगर आप ट्रे इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्लीज़ इससे बड़ी इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है ना। मुझे अपनी नई नई ट्रे थोड़ी शो ऑफ करनी थी कि देखो एल्युमिनियम की ट्रे कितनी क्यूट है टाइप्स। हम बच्चों के पास यही होता है दिखाने के लिए, अपनी प्लेटें, अपनी ट्रे, ऐसा नई घड़ियाँ, नई कमीजें तो होती नहीं है। यही हमारी शो ऑफ करने के तरीके हैं। बाहर जाते हैं कभी तो लोग जो है शॉपिंग करने के लिए ढूंढते हैं नई नई जगह, हम ढूंढते हैं अच्छी प्लेट कहाँ से मिलेगी, अच्छी नाइफ कहाँ से मिलेगी। ये है हम बावर्चियों की लाइफ स्टोरी। ज़्यादा देर नहीं रहेगा यहाँ पे, बस चार चार करके फ्राई करेंगे। इसको पिकाटा बोलते हैं, पिकाटा। तसल्ली से फ्राई करना है इसको, कोई जल्दी नहीं है, धीमी आंच पे फ्राई करना है, क्रिप्सी करारा करना है इसको। टेक योर टाइम माय डियर फ्रेंड्स। आराम से पहले आप अंडे में नहाए हैं, अब आप तेल में नहाइए, क्योंकि आपको क्रिप्सी करारा होना है। अभी पूरा क्रिप्सी नहीं करना है इसको, ठीक है जी, पूरा क्रिप्सी हम दोबारा करेंगे। अभी ज़्यादा क्रिप्सी कर दिया तो कटेगा नहीं है आपसे। मैं तो बड़ा वाला चॉपर ले आऊँगा, और आप क्या करेंगे, छन्नी यूज कर लीजिएगा, मैं तो ऐसे शो ऑफ कर रहा हूं। पहले ही मैंने शो ऑफ का डिस्क्लेमर डाल दिया, देखो। अभी जी ये जो चिकन है ना, इसकी ऐसे स्ट्रिप्स काटनी है, ये देखिए काट ली स्ट्रिप्स, जैसे चपाती की काटते हैं ना, ऐसा लग रहा है ना चिकन की चपाती है, लग रही है ना चपाती। बस अब ये चिकन की चपाती बनाई है, इसकी ऐसे स्ट्रिप्स काट लेनी है। एक्चुअली क्या है ना, शंघाई जो था वो पोर्ट था, और इस डिश की मुझे पता नहीं ओरिजिन शंघाई में है कि नहीं है। हमारे यहाँ शेफ थे चाइनीज में, वो हर बारी उनको बोलो शेफ शंघाई चिकन, हर पार्टी में वो मेन्यू में डाल देते थे और ये बनाते थे वो, और बड़े प्यार से बनाते थे। बट आई हैव रीजन टू बिलीव कि कहीं ना कहीं इसका शंघाई से कनेक्शन है, बिकॉज शंघाई जो था वो पोर्ट था एक, और पूरी दुनिया जो है वहाँ पर ट्रेड करने आती थी। तो शंघाई में आपको पोर्चुगीज, इटालियन, स्पैनिश, हर किस्म के लोग, उनका खाना मिलता था। तो इसके जो यूरोपियन कनेक्शन है इस डीप फ्राइड चिकन के, उसका कहीं ना कहीं तो शंघाई के पोर्ट होने से भी कनेक्शन। ये देखो अभी इसको बिल्कुल हमने बनाना है पापड़। ये देखिए ऐसे एकदम आ रही है बस, ये हमारी चिकन चपाती तैयार हो गई है। अच्छा, अगर वेज में बनाना है तो कैसे बनाएंगे, भारी पब्लिक डिमांड में मुझे बताया जा रहा है यहाँ पर कि रणवीर आप वेज के बारे में नहीं बोल रहे हैं। अभी वेज जो है ऐसे क्या बन सकता है, और मैं बड़ी देर से सोच रहा हूँ, और सोचने के बाद तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनज़र अदालत इस फैसले में पहुंची है कि अगर आपको ये डिश वेज में बनानी है तो आप सूरन जो होता है ना सूरन, उसको बिल्कुल पतला पतला काट लीजिए, जमीकंद को लेके जमीकंद को पतला पतला काट लीजिए, और सेम जैसे हमने चिकन को ट्रीट किया वैसे कर दीजिए। या फिर केले का भी कर सकते हैं, कच्चे केले का भी, कच्चे केले के भी पतले पतले स्लाइस काट के ऐसे ही फ्राई कर लीजिए उसको, और फ्रेंच फ्राइज भी कर सकते हैं। मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, बट यहाँ पर सब लोग बोल रहे हैं कि फ्रेंच फ्राइज भी बोलो, तो मैंने बोल दिया कि फ्रेंच फ्राइज भी आप शंघाई स्टाइल बना सकते हैं। ओह, बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो ये है कि प्लीज़ नमक कम रखें, क्योंकि इमेजिन करिए इतना बड़ा चिकन था, पक के इतना सा हो गया, तो अगर नमक ज़्यादा होगा तो यहाँ तक आते आते नमक तेज़ हो जाएगा, इसलिए नमक थोड़ा कम रखें, ठीक है जी। तो भाई अब बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा पानी वानी नहीं डालना, वरना जितनी मेहनत
चिकन को एक क्रिस्पी करारा करने में करी है वो सारी वेस्ट हो जाएगी। तेल में दालचीनी, स्टार अनीस, ठीक है, और ड्राई रेड चिली, ये तेल को बेसिक फ्लेवर दे दिया। देसी पना डाल देते हैं उसके अंदर, हरी मिर्च और हमारे गाजर के फूल, आई लव द स्मेल, तिल, हल्की सी ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर जो है वो एक जेन्युइन एडिशन है बिकॉज शंघाई का खाना जनरली थोड़ा स्वीट होता है। यहां तक भी ऐसा लग रहा है कि भाई हो सकता है कि शंघाई में कभी किसी ने बनाई हो, खाई हो। हिंदुस्तान में तो शंघाई चिकन के नाम से मिलती है जी। अब इसके बाद ये गया चिकन, चिकन के बाद थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, ये लीजिए, हल्की सी शक्कर ऊपर से, और नमक अगर आपको लगता है कि आपके चिकन में कम है तो डाल दीजिएगा, मेरे चिकन में तो बहुत है जी। डन है। आवाज जो है ना, आवाज ये सुनाने के लिए मैं कर रहा हूं क्योंकि YouTube पे हर कोई आवाज ही सुना रहा है। ये देखिए मेरी पानी पूरी सबसे क्रिस्प, ये देखिए मेरी फ्रेंच फ्राई सबसे क्रिस्प। तो मैंने कहा चलो मेरा शंघाई चिकन भी सबसे क्रिस्प। और देखिए मिर्च की लाली भी आ गई, और जो मसाला है, मसाला मसाले के तो पैसे हैं, ये तिल और मिर्ची, ये तो। नमस्कार, मैं हूं रणवीर ब्रार, और इनसे मिलिए, इनका नाम है शंघाई चिकन, जो शायद शंघाई से हैं, शायद शंघाई से नहीं, वो मुझे पता नहीं, लेकिन ये टेस्टी बहुत है। और एक बार आपको इनकी आदत पड़ गई ना, फिर आप रोज फोन करके इनको बुलाएंगे। और जब फोन करके बुला रहे होंगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। डिटेल्ड रेसिपी बारीकियों के साथ, इंस्ट्रक्शंस के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, प्लीज चेक इट आउट।